जावंत जी। जी बेटा, हमारे पास जाने का समय भी खत्म होने वाला है। गेंद तो अभी तक हनुमान जी वापस नहीं आए। वास्तव में हनुमान जी को गए काफी समय हो गया। अब मुझे भी यही चिंता है कि अब क्या होगा। ईश्वर भला करे। वो सकता है कि वो आते ही हो। थोड़ा धैर्य धरा होगा। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम। हाँ, हमको इसी समाचार को सुनने के लिए कब से भेजे थे। क्या कुछ बताइए हनुमान जी, सीता माता की कुछ खबर मिली। भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से माता सीता की स्तुति लेकर आया। माता सीता उस समय अशोक वाटिका में दुखी जीवन व्यतीत कर रही है, इसलिए हमें जल्दी ही श्री रामचंद्र के पास चलना चाहिए। तो शीघ्र कर कीजिए। चलिए हनुमान जी, चलिए। बोले तमाम चंद्र सीता माता की हनुमान जी को काफी टाइम हो चुका है, अभी तक आए नहीं। भ्राता जी, हनुमान जी निश्चित माता का पता करके आते होंगे। आप निश्चिंत रहिए भ्राता से। Oh,
किसी भी प्रकार व्यतीत कर लेंगे और आप जाकर सुखपूर्वक अपना राज्य कीजिए। महाराज धैर्य रखिए, मुझे हनुमान पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुधीर जी, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान भगवान श्री रामचंद्र की आए रघुवर दीन दयाल हो हे राम तुम्हारी जय हो रघुवर Thank you.
हनुमान तुम आ गए, कहो कुशल पूर्वक कहो। भगवान प्रणाम। भगवान जब आपका आशीर्वाद हो तो मुझे किस बात का भय? हे पवन पुत्र, क्या कहीं सीता की सुधि मिली? कब अब संभव हो सकता? हनुमान जाए और पिता कार्य के वापस आए। भला मैं इस योग्य हूं भगवान, आपका आशीर्वाद और आप सबका साहस था। मैं तो सिर्फ मददगार था। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताओ कि किस तरह तुमने सीता की सुधि पाई? भगवान पहले तो मैं उन सभी स्थानों पर गया था जहां मैं जानता था, लेकिन कहीं भी सीता माता जी का पता नहीं चला। अंत में मैं लंका की ओर गया और वहां पर राक्षसों से युद्ध हुआ और फिर भीषण जी की कुटिया तक पहुंचा और उन्होंने ही कहा कि माता सीता अशोक वाटिका में बंदी हुई है तथा उन्होंने मुझे वहां का पता बताया और वहां तक पहुंचाने का मार्ग बताया। और जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वहां पे दुष्ट रावण माता सीता को अनेकों भय दिखा रहा था, किंतु माता अडिग रही। और जब रावण चला गया तब माता जी के सामने आपके स्मरण करने लगा और उनसे रहा निकल गई और मैंने माता जी को सांत्वना दिया और आप अभी भी पुत्री का माता जी को भेंट दी और इसलिए माता जी का मुझ पर विश्वास हो गया। हाँ तो सीता से कोई बातचीत हुई? क्यों नहीं, माता जी से बातचीत ही थी, बल्कि लंका की ईंट से ईंट बजा के आया हुआ। किंतु भगवान माता जी की दशा बड़ी दयनीय है, सूखकर बिल्कुल कांटे की भांति हो गई है। उनके दुख का वर्णन करना ही कठिन है, वहां तो केवल आपके ही नाम रत लगाया बैठा है। उसने कुछ कहा या नहीं? हाँ भगवान, कहा कि यदि दो माह के अंदर आपने मेरी सुधि न ली तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे तथा कोई भी जीवन के पास शेष नहीं था, बस यह थोड़ा बड़े उनके पास रह गया था जो माता जी ने निशानी के बतौर मुझे दिया है। और साथ ही यह भी कहा है कि इंद्रपुत्र जयंती कथा और उसके पीछे छोड़े हुए सिंह के बाण स्मरण भगवान को करा देना, जिससे आपको मेरे यहां आने का विश्वास हो जाए।
विसरते हैं, यह मेरी प्यार प्यारी का ही है। हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे अपनी प्राण प्यारी की सुधि मिली। फिर आप वही बातें करने लग गए, यहां तो मेरा कर्तव्य था। अंधेरी रात कैसे चाहिए Peace out, God, we are home.
Yeah!